फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही जायकेदार स्वाद वाले कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये कबाब हम पत्ता गोभी से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार आपने ये पत्ता गोभी के कबाब खा लिए तो बाकी के सारे कबाब आप भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल झटपट से बन जाते हैं। और घर के कुछ ही सामान से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो पत्ता गोभी के ये जो कबाब हैं, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी आप देखें ना, मैंने बारीक से इस तरीके से कट करके ली है। कप के हिसाब से देखें तो लगभग ये 2 कप है और ग्राम्स में देखें तो 200 से 250 ग्राम हमने ये पत्ता गोभी ले ली है। यहाँ पर अच्छे से आप इसे इस तरीके से बारीक बिल्कुल कट करके ले लें। और अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो लगभग आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि जो पत्ता गोभी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से नमक डालने के बाद हम इसे हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर देंगे और लगभग हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़कर रख देंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए और जो पत्ता गोभी है वो बढ़िया सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पे इसे 5 से 8 मिनट के लिए रख दिया था और आप देखें तो पत्ता गोभी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है अभी, तो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका पानी है ना वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसे स्क्वीज करते हुए इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर यानी कि जो पानी आ गया है उसे हमें निकाल लेना है। तो सारी पत्ता गोभी को हम ऐसी तरीके से तैयार करेंगे और ये पानी को हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारी जो पत्ता गोभी है इसे मैंने अच्छे से निकाल लिया इसका सारा पानी। तो अब यहाँ पर इसमें हम बारीक कटा हुआ काफ़ी सारा हरा धनिया डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे बहुत ही बारीक सा चॉप करके ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर प्याज को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, हम बिना प्याज के भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पर लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं या तो बारीक चॉप करके आप इसमें सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने 1 चम्मच डाल दिया, आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 1/4 टीस्पून के जितना हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि हमने पत्ता गोभी में भी पहले नमक डाल के उसे रखा था, तो आप नमक ध्यान से डालें। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, तो 1/2 छोटी चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, तो मैंने 1/4 टीस्पून के जितना काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि जो भी मसाले वगैरह हमने डाले हैं वो पत्ता गोभी में अच्छे से लग जाएं। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे 1/2 कप यहाँ पर चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ये चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। या फिर आप क्या करें, सूजी ले लें आप 1/2 कप, उसे मिक्सी के जार में बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लें और वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो मैंने तो यहाँ पर आज इसमें चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन से काफ़ी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप के जितना बेसन लिया है। ग्राम्स में देखें तो लगभग ये 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम हमने बेसन लिया है। बेसन को पूरा एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है बेसन। तो बेसन को डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को हमें कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसन सारा डाल दिया है इसमें। तो टोटल हमने यहाँ पे 100 ग्राम बेसन का यूज़ किया है। अच्छे से इसे बिल्कुल मिक्स करना है इस तरीके से, और बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिक्स करें। बिल्कुल बढ़िया एक डो जैसा ये बनना चाहिए ताकि हम इसमें से बढ़िया से कबाब बना सकें। अब यहाँ पर थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। बहुत ज़्यादा पानी आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच आपको पानी लग सकता है। तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी का यूज़ किया है और ये बढ़िया सा हमारा यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये मिक्सचर बन गया है। अब अपने हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप चाहें तो घी लगा लें, और थोड़ा सा हम इसमें से ये मिक्सचर ले लेंगे
और यहाँ पर हम इसमें से टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो अपने पसंद से किसी भी शेप में यहाँ पर से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से इस तरीके से टिक्की का शेप दे रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी ना रखें आप इसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बनाकर तैयार करेंगे, और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो यहाँ पर अपनी पसंद से आप छोटी या बड़ी साइज़ की टिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी टिक्की हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ टिक्की मैंने यहाँ पर बना ली है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे कबाब को हमें फ्राई करने के लिए चाहिए बिल्कुल बढ़िया सा गरम ऑयल। तो मीडियम फ्लेम पे ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लें, और फिर आप गैस को बिल्कुल यहाँ पर लो मीडियम के बीच में रखें, और इसमें हम ये एक एक करके ये जो हमने कबाब तैयार किए हैं इसे डाल देंगे। और बिल्कुल यहाँ पर आपको इसे लो मीडियम के बीच में ही फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, वरना ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बिल्कुल डार्क कलर के हो जाएंगे। तो आप इसे थोड़ी देर के बाद, यानी कि 1-2 मिनट के बाद आप इसे इस तरीके से फ्लिप करें, और अलट पलट कर हम इसे अच्छे से बिल्कुल फ्राई होने देंगे। तो बीच बीच में आप इसे अलट पलट कर इसी तरीके से बढ़िया से इसे क्रिस्पी होने दें, और बढ़िया से इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए, बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए। तो अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम सारे कबाब यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे कबाब मैंने इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। यकीन मानिए आप इसे एक बार इसे बना लेंगे ना, तो आप हमेशा इसे बनाकर एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं बाहर से, और बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। आप इसे किसी भी अपनी पसंद की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं किस तरीके से अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक भी हुआ है। और आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप या अपनी पसंद की किसी भी हरा धनिया पुदीना की चटनी के साथ एंजॉय करें। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार तो आप इसे ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।